नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है म्यूजिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सभी तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। दोस्तों म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए और उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। दोस्तों कीबोर्ड का रिव्यू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं जो एक कीबोर्ड के ऊपर आपको देखने हैं, ताकि जब आप परचेज करें आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कीबोर्ड ले पाएं। सबसे पहला जो फीचर्स है वो है वेस्टर्न टोन्स का, उसमें कितनी वेस्टर्न टोन्स हैं आप उसको ज़रूर चेक करें। उसके बाद उसमें कितनी बीट्स हैं यानी कितनी रिदम है वो भी ज़रूर देखें। इंडियन स्टाइल टोन्स जो होती हैं वो कुछ कीबोर्ड में होती हैं, कुछ में नहीं होती, ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके कीबोर्ड में इंडियन स्टाइल बीट है या इंडियन स्टाइल टोन है या नहीं है। बात करते हैं कोड्स की, जब आप कीबोर्ड परचेज करें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि उसमें कोड्स हैं या नहीं है। USB MIDI की बात करेंगे, ये रिकॉर्डिंग के लिए होता है ऑप्शन, अगर आप कल को अपने रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कीबोर्ड के साथ अटैच करके लैपटॉप, तो उसमें USB MIDI का ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। सॉन्ग बैंक कीबोर्ड का एक मेन फीचर होता है कि जो बच्चे नए हैं उनको सुनाने के लिए या उनकी म्यूज़िक की नॉलेज बढ़ाने के लिए ऑलरेडी जो सॉन्ग होते हैं वो कीबोर्ड के अंदर ही कुछ एक डाल दिए जाते हैं, तो उसको उस फीचर को हम सॉन्ग बैंक कहते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स आप ज़रूर एक कीबोर्ड पे चेक कर लें। और कुछ एक कीबोर्ड जो मैंने ऑनलाइन देखे हैं जिसमें KCO 47A, KCO 77 और S100 और S200 जो आजकल सबसे न्यू चल रहा है मॉडल, ये कीबोर्ड भी बहुत अच्छा है। तो इन कीबोर्ड्स को आप Amazon पे जाके, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कीबोर्ड के ऊपर। दोस्तों ये है कीबोर्ड हमारे पास जिसका नाम है CTK 255 KCO। तो चलिए इसके जो मेन फीचर्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कीबोर्ड में टोन्स कितनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 400 टोन्स। तो ये जो टोन्स हैं इसके इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले ग्रैंड पियानो है नंबर 1 पे, तो अगर आप प्लस का साइन दबाएंगे नंबर 2 पे चले जाएंगे तो और कोई इफेक्ट आपको दिखाई देगा, तो ग्रैंड पियानो का ही अलग स्टाइल इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे स्टाइल इसमें अवेलेबल है जिसको हम टोन्स बोलते हैं। तो टोटल टोन्स हैं इसमें 400 टोन्स। बात करते हैं रिथम की, तो रिथम इसमें है 100 रिथम्स हैं। तो रिथम्स क्या होती है, जब हम यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्ले करते हैं, यहाँ पे ये जो स्टार्ट का बटन है इसको प्ले करेंगे तो एक बीट चलेगी जिसको हम रिथम भी कहते हैं। तो इस तरह से 100 बीट्स इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ये स्टार्ट और स्टॉप, इस तरह से 100 बीट्स इसके अंदर है। तो सबसे पहली बात थी टोन्स कितनी टोन्स है, देन रिदम्स कितनी है। अब कोड की बात करते हैं कि इसमें कोड्स हैं या नहीं है। तो कोड्स यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा कोड का होता है लेफ्ट साइड पे। तो चलिए हम कोड में जाके देखते हैं। यहाँ पे अभी कोड ऑन नहीं किया, कोड ऑन करेंगे उसके बाद कोड ऑन हो जाएंगे। तो ये जो टोन थी वो कोड की है, इसमें टोन्स भी हैं, इसमें रिदम भी है और इसमें कोड्स भी हैं। इंडियन स्टाइल टोन और रिदम इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। जो मेन फीचर एक और रह जाता है वो है सॉन्ग बैंक का। चलिए हम सॉन्ग बैंक भी देख लेते हैं, इसमें सॉन्ग बैंक भी है। जैसे ही आप सॉन्ग बैंक को प्रेस करेंगे ऊपर आ जाएगा सॉन्ग, तो कोई ना कोई सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ही कीबोर्ड के अंदर दिया है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा।
तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये जो सॉन्ग है इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये जो मेन फीचर जो कीबोर्ड के होते हैं, सबसे पहले इसकी टोन, फिर रिधम, वेस्टर्न स्टाइल टोन, वेस्टर्न स्टाइल रिधम, इंडियन स्टाइल टोन, इंडियन स्टाइल रिधम, कोड्स और सॉन्ग बैंक, और मिडी एक रिकॉर्डिंग का होता है ऑप्शन, वो हर कीबोर्ड में नहीं होता, वो डिपेंड करता है कीबोर्ड के प्राइस के ऊपर। जैसे जैसे कीबोर्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा उसमें वो फीचर अवेलेबल हो जाता है। जाते जाते हम इसमें इंडियन स्टाइल की टोन और रिधम ज़रूर देखेंगे। तो टोन में चलते हैं, टोन में सबसे पहले प्रेस करेंगे टोन। जैसे हम टोन प्रेस करेंगे, टोन के बाद 247 पे हारमोनियम है, तो ये जो हारमोनियम है इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे चलते हैं, इसमें शहनाई, शहनाई, संतूर, बहुत सारे इसमें इंडियन स्टाइल्स टोन्स अवेलेबल है। तो एक रिधम भी देख लेते हैं हम इंडियन स्टाइल की। इंडियन स्टाइल की बीट 057 के ऊपर कहरवा अवेलेबल है इसमें, तो देखते हैं कैसे बजती है। इस तरह से कीबोर्ड के जो मेन फीचर्स होते हैं वो यही होते हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि वेस्टर्न स्टाइल कौन से हैं, इंडियन स्टाइल कौन सी रिधम्स हैं, ये सब देख के ही आप कोई कीबोर्ड परचेज करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो हमारी कीबोर्ड के ऊपर थी कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए और लेते टाइम कौन कौन से उसमें मेन फीचर्स हैं जो आपको देखने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एक कीबोर्ड ज़रूर परचेज करेंगे, चाहे आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। ऑनलाइन जो भी कीबोर्ड बेस्ट कीबोर्ड अवेलेबल है, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको डाल दूंगा। जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है आप उनको बाय कर सकते हैं। जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।